हाय स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने रैंडम और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में फ़र्क जाना था और हमने पता किया था कि रैंडम वेरिएबल से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है उसको हम बोलते हैं रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आप लोगों को क्विक रिकैप भी दे देता हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें ऐसी वैल्यूज हों जैसे 1, 2, 3, 4, आप देख रहे हो सारी वैल्यूज अलग अलग आपको बता रखी हैं, और कॉन्टीन्यूस होता है जिसमें आपको एक रेंज दे दी जाए जैसे 5 to 10 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, ऐसे इस तरीके से। पिछली वीडियो आप देख लेना और क्लियर होने के लिए। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालना आपको सीखना है। सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन से ही देख लेते हैं इसको। एक आपको एक्स दे रखा है सेल्स पर फ़ोन कॉल, मतलब एक एग्जीक्यूटिव है वो कस्टमर्स को फ़ोन करता है, और एक्स हमने मान लिया कि कितनी सेल्स उसकी एक फ़ोन कॉल पर होंगी, और उसी का हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। ये हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट ये क्यों है? क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ जो एक्स की हैं वो डिस्क्रीट हैं। देखो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्क्रीट है। तो अब एक्स 0 है, इसका मतलब है कि एक भी सेल नहीं हुई फ़ोन कॉल पर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। एक सेल हो गई, इसकी है 0.20। दो सेल हो गई एक ही फ़ोन कॉल पे 0.10। तीन सेल हो गई एक ही फ़ोन कॉल पे 0.05। इसी तरीके से 4 सेल की 0.30 और 5 सेल की 0.20। ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ लिखा होगा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे ई एक्स से। ये इक्वल होती है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n PiXi, मतलब कि PiXi P1X1 प्लस P2X2 प्लस P3X3, इस तरीके से हम कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 0 × 0.15 प्लस 1 × 0.20 प्लस 2 × 0.10 प्लस 3 × 0.05 प्लस 4 × 0.30 और फिर लास्ट वाले के लिए प्लस 5 × 0.20। ये सॉल्व करके जो आएगा यही होगी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपका सॉल्व करके आएगा 2.75। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब है कि एक फ़ोन कॉल पे आपकी एक्सपेक्टेड कितना है कि आपको कितनी सेल हो जाएंगी। अगर आप एवरेज निकाल लो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का, आपने 5 फ़ोन कॉल किए तो एक्सपेक्टेड हम देखेंगे कि एक फ़ोन कॉल पे लगभग 2.75 सेल्स की एवरेज आ रही है। इसी तरीके से आपको 10 फ़ोन कॉल्स का निकालना हो कि 10 फ़ोन कॉल्स पे कितना सेल होगा, तो आप 2.75 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 100 का निकालना हो 100 फ़ोन कॉल्स पे कितनी सेल होगी, तो इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्सपेक्टेड एक आपके पास आ जाएगा कि एक पे इतनी हो रही है तो 100 पे कितनी हो जाएंगी। इसलिए हम अगर इस तरीके से लिख दें कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर फ़ोन कॉल, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह अगर हम लिख दें कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर फ़ोन कॉल, तो वो भी हमारा यही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के ही इक्वल होगा वो भी एवरेज, कि एक फ़ोन कॉल पे 2.75 की हमें एक्सपेक्टेशन है कि इतने सॉल्व हो जाएंगे। और ये इसका फॉर्मूला आप लिख लेना, दिस इज समेशन ऑफ PiXi। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ एक्स रिप्रेजेंट्स द आउटकम व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस। वेरियंस है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब PiXi निकालते हो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर कर देंगे, और माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, जो हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी उसी का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा वेरियंस। वेरियंस का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट मेजर्स हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर्स आर स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम का एक्सपेक्टेशन होगा कि सबसे पहले है कि x अगर 1 आए, मतलब रैंडम वेरिएबल है हमारा x जो कि आउटकम है, 1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 आए उसकी भी 1/6 है प्रोबेबिलिटी, 3 आए उसकी भी 1/6 है, 4 की भी 1/6, डाइस पे 4 आने की, 5 आने की भी 1/6, और डाइस पे 6 आने की भी 1/6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन तो हमारा ये आ चुका है। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही रहेगी, और 2 का स्क्वायर 4, अंदर 1/6। सॉल्व करने के लिए आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह एग्जाम में ज़रूर लेके जाना, ताकि आपका ये सारी जो कैलकुलेशन है इनमें टाइम वेस्ट
नाउ साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा। ये आपका वेरिएंस आ गया। इसी तरीके से आप और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू है, जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एक्स एन तक आ जाए तो ये तब भी ट्रू है। मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए ट्रू हैं। ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ए और बी बाहर निकल जाएंगे और फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अगर दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। यही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।